Hello, good morning students. How are you all? I just hope that you are enjoying your online classes and doing super duper well in your studies. My dear students, my little chick-chicks, do you know what we are going to learn today? Well, today's day is really awesome and I am feeling very energetic today. Do you know why? Because today we are going to learn a very interesting topic about birds. Name of the lesson that we are going to study, lesson number 5, birds, their feathers and beaks. Now see the very beautiful picture of a bird. Do you like this picture, students? Yes, it is really very wonderful picture. It is really very beautiful picture. Now, students, here is another picture of bird. See the lovely birds. See the bird flapping its wings and feeding its babies. Okay, you can see this bird is feeding some food to its babies in the beak of its babies. It is a really lovely sight to watch. I always love to watch the birds, activities of the birds. As I'm a child, I used to do that. Dear students, before we could start today's lesson, just give me answer of this question. And my question is that, what is the difference between birds and human beings? This question is very simple. Again, I would like to repeat it. What is the difference between birds and human beings? Birds mein aur insano mein kya farak hai? Just think about this and tell me your answer. I'm giving you 5 minutes. Dear students, did you get the answer? The only answer you will get that birds have wings so they can fly in the sky and we don't have wings to fly. Iska answer hai that birds have wings. Pakshiyon ko pankh hote hain. तो वो आसानी से उड़ सकते हैं आकाश में एंड वी डोंट हैव विंग्स टू फ्लाई और हम इंसानों को पक्षियों के जैसे पंख नहीं होते हैं तो हम उड़ सकते हैं क्या नहीं स्टूडेंट्स बर्ड्स आर द ब्यूटीफुल क्रिएचर्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बर्ड जो है ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर उदाहरण है और ये जो बर्ड्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स से बिल्कुल ही अलग हैं बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज दे हैव वेल फॉर्म विंग्स अटैच टू देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स बच्चों बर्ड्स की जो बॉडी होती है बहुत ही लाइट होती है बर्ड जो होते हैं बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं दे हैव वेल फॉर्म विंग्स अटैच टू देयर बॉडीज और उनके जो विंग्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं और वो उनके बॉडी को अटैच होते हैं उनके शरीर को ये अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स और उनके बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं वो इनको इनके जो पंख होते हैं इनको अपने बॉडी से अटैच करते हैं डू यू नो स्टूडेंट्स देयर आर अबाउट 8600 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कितने हैं 8600 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मतलब अलग अलग तरह के टोटल 8600 अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं पूरी दुनिया में अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग्स इन बोथ डायरेक्शन जो भी बर्ड होता है जो भी पक्षी होता है वो अपने पंखों को दो तरह से अलग अलग दिशाओं में ऊपर नीचे
फैलाता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस टू फ्लाई. उड़ने के लिए एक तो वो ऊपर की तरह पंखों की मूवमेंट करता है, हलचल करता है, या तो फिर नीचे की तरह वो अपने पंखों को ऊपर नीचे मूव करता है. ओके, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग इज नोन एज अपस्ट्रोक. जब ये बर्ड्स जो है अपने पंखों को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रोक. नाउ सी, दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल बर्ड फ्लैपिंग इट्स विंग्स अपवर्ड. दिस इज नोन एज अपस्ट्रोक. हियर इज अनदर पिक्चर, अ बर्ड फ्लैपिंग इट्स विंग्स अपवर्ड. सो इट इज नोन एज अपस्ट्रोक. जब हर तरह के जो पक्षी होते हैं वो अपने पंखों को ऊपर की दिशा में मूव करते हैं तब हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रोक. ओके, आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग इज नोन एज डाउन स्ट्रोक. और जैसे मैंने आपको अभी बताया, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग इज नोन एज डाउन स्ट्रोक. जब ये बर्ड्स हैं अपने विंग्स की मूवमेंट जो है वो नीचे की दिशा में करते हैं तब उसे कहा जाता है डाउन स्ट्रोक. नाउ सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बर्ड फ्लैपिंग इट्स विंग्स डाउनवर्ड्स. ओके, सो इट इज नोन एज डाउन स्ट्रोक. Now students, the question comes to our mind is that what is the difference between feathers and wings? So answer to this question is feathers are small hair-like structures. Feathers जो है वो बहुत ही छोटे छोटे बालों के जैसे उनका structure होता है. उनका जो structure है, जिस तरह से हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं उसी तरह से इनका स्ट्रक्चर भी बालों के जैसे छोटा छोटा होता है. दे कीप द बॉडी वॉर्म. और इन फीदर्स का काम क्या होता है? कीप द बर्ड्स बॉडी वॉर्म. पक्षियों की जो बॉडी होती है उसको वॉर्म रखने का काम करते हैं फीदर्स. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. और ऐसा नहीं है कि फीदर एक ही कलर के होते हैं. फीदर्स के कलर अलग अलग होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द बर्ड. बर्ड किस तरह का है उसके हिसाब से उसके जो फीदर्स होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं. दे आर वेरी लार्ज इन नंबर. और जिस तरह से वी कैन नॉट काउंट अवर हेयर्स, जिस तरह से हम हमारे बालों को काउंट नहीं कर सकते उसी तरह से ये फीदर्स होते हैं. दे आर वेरी लार्ज इन नंबर. विंग्स आर द लार्ज स्ट्रक्चर अटैच टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. और ये जो विंग्स होते हैं दे आर द लार्ज स्ट्रक्चर अटैच टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल्स. जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो विंग्स है ये बर्ड्स के बॉडी को अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल्स. और उनके बॉडी में जो मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, वो ये विंग्स को उनके बॉडी से जुड़े रखते हैं. विंग्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ये विंग्स ही है कि जो ये बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं. आई होप दैट यू आर गेटिंग इट स्टूडेंट्स. सो दिस ब्रिंग्स मी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर स्टूडेंट्स. But dear students, you have to give me the answer of my question, and that is, do all birds can fly? And if your answer is yes, then you have to tell me why. Dear students, you have to send me your answer on my WhatsApp number. So just want to take your leave. Don't forget to take care of yourself. Bye for now. Bye-bye, dear students.